भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी और इनामी बदमाश राकेश उर्फ हनुमान पांडे को लखनऊ में रविवार की सुबह यूपी एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ गाजीपुर, रायबरेली, लखनऊ और मऊ जिले के 11 थानों में मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं, राकेश पर 1,00,000 रुपए का भी इनाम घोषित था। राकेश पांडे को मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी माना जाता था। यूपी एसटीएफ द्वारा किए गए एनकाउंटर पर राकेश के पिता ने अब सवाल उठाए हैं। राकेश पांडे के पिता बाल दत्त पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस हनुमान पांडे को लखनऊ स्थित आवास से शनिवार की रात 3 बजे ही उठाकर ले गई और फिर रविवार की सुबह उसका एनकाउंटर कर दिया। उनका ये भी कहना है कि हनुमान पांडे पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था। आगे कहा कि उनका बेटा लखनऊ में अपनी माँ का इलाज करा रहा था, जिसको लेकर लखनऊ आता जाता रहता था। मालूम हो कि मुख्तार गैंग के शूटर राकेश उर्फ हनुमान पांडे पर मऊ जिले के भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें ठेकेदार मन्ना सिंह और उनके मुनीम राम सिंह मौर्य हत्याकांड का मामला प्रमुख है। पुलिस रिकॉर्ड में राकेश पांडे D5 गैंग का सक्रिय सदस्य था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।